अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे आपको खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे 9th इंग्लिश की और मैं आपको सिखाऊंगा प्रिपरेशन ऑफ एमसीक्यूज। सेक्शन ए आपका होता है 15 मार्क्स का, दैट इज एमसीक्यू सेक्शन, और आपको 20 मिनट्स में करना होता है। देखिए, ऑनलाइन एग्जाम आपके होते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि आपके एमसीक्यूज के मार्क्स बढ़ जाते हैं, और एमसीक्यूज जो होते हैं वो आपके सॉलिड मार्क्स होते हैं अगर आप उन्हें सही तरीके से सॉल्व करें। क्वेश्चन में आपसे कहते हैं चूज द करेक्ट आंसर ए बी सी डी फॉर क्वेश्चन इन द आंसर शीट, ईच पार्ट कैरीज वन मार्क। हर सवाल का एक नंबर होता है, जैसे मैंने आपसे कहा ये सॉलिड मार्क्स होते हैं, इसीलिए इन मार्क्स को अचीव करना बहुत ज़रूरी है। जब हम बात करते हैं एमसीक्यूज की तो दो टाइप के एमसीक्यूज आते हैं, एक तो आपके लेसन में से क्वेश्चन उठा के देते हैं, सेकेंड आपके पास होता है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के एमसीक्यूज ज़्यादा आते हैं। 9th क्लास के अंदर एमसीक्यूज की खास बात यह है कि उनमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको पेपर के दूसरे क्वेश्चंस में भी हेल्प कर सकते हैं, इसलिए जिन ग्रामर कंपोनेंट से ये आते हैं उनको समझना, उनकी प्रैक्टिस करना बहुत ही ज़रूरी होते हैं। और सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि इंडिविजुअली उन ग्रामर के सेक्शंस की प्रैक्टिस की जाए। तो आज मैं दो टॉपिक आपसे डिस्कस करूँगा। नंबर वन इज़ एडजेक्टिव। अगर हम एडजेक्टिव को देखेंगे तो उसमें हम बात करेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, क्वान्टिटी, नंबर, डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव एंड पजेसिव एडजेक्टिव। ये छह काइंड्स होती हैं एडजेक्टिव की। देखिए, एडजेक्टिव की बहुत सारी टाइप्स तो आपने पढ़ी होंगी, समझी होंगी, लेकिन एग्जाम में अगर क्वेश्चन देते हैं तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई कन्फ्यूजन आपको हो सकती है। तो सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिकली देखा जाए, यानी आप उन क्वेश्चंस को समझें कि ये एडजेक्टिव की कौन सी काइंड्स हैं। कुछ काइंड्स ऐसी भी होती हैं जिनमें थोड़ी सी सिमिलैरिटी होती है या दूसरे कंपोनेंट्स के साथ भी जो है वो मैच करते हैं। सेकेंड टॉपिक आपका है एडवर्ब। बात हम करेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी, टाइम, एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस। तो ये देखें, एडवर्ब्स की टोटल यहाँ 7 काइंड्स हैं। अब इतनी सारी काइंड्स को याद रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इनको डिफरेंशियल वे में पढ़ें कि इसमें और उसमें क्या फ़र्क है, तो ये आपका बेस्ट तरीका होगा इंफॉर्मेशन को रिटेन करने का। पास पेपर्स के कुछ क्वेश्चन लिए, उन्हें मैं यहाँ आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए, ताकि फ्यूचर में अगर ऐसी वीडियोस में अपलोड करता हूँ तो उनका नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपका क्वेश्चन नंबर वन है आई एट सम आइसक्रीम, अंडरलाइन वर्ड क्या है। चार ऑप्शन हैं आपके पास, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास इसके बारे में सोचें, उसके बाद मैं आपको इसका आंसर और रीजन बताऊंगा। इसका जवाब है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एडजेक्टिव्स की बात करते हैं, ये होते क्या है। एडजेक्टिव क्या करते हैं, सिंपली ये नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करते हैं, उनकी मालूमात में इजाफा करते हैं, उनके बारे में और बताते हैं आपको। और नाउन्स और प्रोनाउंस क्या होते हैं, वो बेसिकली लोग हो सकते हैं, जगहें हो सकती हैं, चीज़ें हो सकती हैं, तो ये उनके बारे में आपको बताते हैं। आंसर हमने चूज़ किया था एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। उसकी डेफिनेशन क्या होती है ये देख लीजिए, अ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन्स और प्रोनाउंस। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन्स या प्रोनाउंस की क्वांटिटी बताते हैं, किस क्वांटिटी में। तो देखिए, सेंटेंस में आप गौर करें, आई एट सम आइसक्रीम, मैंने कुछ आइसक्रीम खाई। अब ये कुछ सम आपका क्या है, बेसिकली क्वांटिटी को शो कर रहा है, लेकिन एग्जैक्ट क्वांटिटी नहीं बता रहा, यानी डेफिनेट इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा बल्कि इनडेफिनेट इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है। लेकिन ऑप्शन में चूंकि क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव दिया हुआ है तो आप इसे चूज़ करेंगे, बिकॉज यहाँ पर क्वांटिटी की बात हो रही है। देखिए, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव अगर इस तरह के हों तो उन्हें आप इनडेफिनेट एडजेक्टिव भी कहते हैं। इस सवाल में अगर वो आपको ऑप्शन में देते इनडेफिनेट एडजेक्टिव, तो आप इनडेफिनेट एडजेक्टिव को चूज़ करते। क्यों? क्योंकि जो क्वांटिटी आपको बता रहे हैं ये डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट है, यानी आपको नहीं पता एग्जैक्ट कितना है। अगर आपको एग्जैक्ट नंबर का पता हो तो फिर वहाँ पे दूसरा ऑप्शन आ जाता है। लेकिन चले, ये तो आपको क्लियर हो चुका होगा कि ये है क्या चीज़, और इन दोनों में से कोई ऑप्शन अगर आ जाए तो आप उसे चूज़ कर सकते हैं, बट दिस वन इज़ मोर एक्यूरेट। क्वेश्चन टू की तरफ देखिए, माई ब्रदर हैज़ 4 चिल्ड्रन, द अंडरलाइन वर्ड इज़। 10 सेकंड से आपके पास सोचें इसका आंसर। इसका जवाब है एडजेक्टिव ऑफ नंबर।
देखिए नाम से ही जाहिर है, यहाँ पर नंबर दिए हुए हैं तो आप फ़ौरन पहचान जाएंगे ये एडजेक्टिव ऑफ नंबर है। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देख ली। एन एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स डील्स विद द काउंटेबल नाउंस, ये काउंटेबल नाउंस के साथ डील करता है। देखिए काउंटेबल्स के साथ भी डील करता है प्लस नंबर के साथ भी, यानी आप जिन्हें काउंट कर सकते हैं, नंबर इटसेल्फ को आप काउंट कर सकते हैं। फोर आपको पता है कितने होते हैं, या टेन दें, वन दें, या कोई भी आपको फिगर दे दें इस तरह की, आप फ़ौरन जो है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर चूज़ कर लेंगे। तो ये तो बहुत ही आसान है। क्वेश्चन थ्री की तरफ देखिए, वी हैव रेज्ड दिस कंसर्न मैनी टाइम्स। अंडरलाइन वर्ड आपका क्या है, ये भी एडजेक्टिव है लेकिन कौन सा है? 10 सेकंड्स हैं आपके पास जवाब सोचें, फिर मैं ज़रा बता के एक्सप्लेन करता हूँ। इसका जवाब है इनडेफिनेट एडजेक्टिव। अब देखिए जो पीछे मैंने आपको बताया था ना वो यहाँ पे आ गया, लेकिन सेंटेंस की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। चलें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इनडेफिनेट एडजेक्टिव क्या होता है? प्रोवाइड्स इनडेफिनेट अनस्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन अबाउट द नाउन, जो नाउंस के बारे में आपको इनडेफिनेट या अनस्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन देता है। कॉमन जो इनडेफिनेट एडजेक्टिव आपके पास होते हैं, फ्यू, मैनी, मच, मोस्ट, और ये सारे मैंने यहाँ लिख दिए, इनमें से कोई एक उठा के आपको दे देते हैं। अब आप सेंटेंस में ज़रा गौर कीजिए, वी हैव रेज्ड दिस कंसर्न मैनी टाइम्स, हम इस कंसर्न को, इस इशू को बहुत बार रेज कर चुके हैं, यानी एड्रेस कर चुके हैं, बयान कर चुके हैं। अब मैनी टाइम्स, कई मरतबा, देखिए आपको एग्जैक्ट नंबर नहीं दिया, दो दफ़ा, तीन दफ़ा, 10 दफ़ा, 15 दफ़ा, नहीं, मैनी टाइम्स। तो आप फ़ौरन ही चूज़ कर लेंगे इनडेफिनेट एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव भी चूज़ कर सकते हैं लेकिन इनडेफिनेट ज़्यादा एक्यूरेट है। क्वेश्चन फोर की तरफ देखिए ज़रा, हिज ब्रदर इज़ वेरी इंटेलिजेंट। अंडरलाइन वर्ड क्या है आपका? 10 सेकेंड्स हैं, सोचें ज़रा इसका आंसर। इसका जवाब है पजेसिव एडजेक्टिव। ये क्या होता है? अ पजेसिव एडजेक्टिव इंडिकेट्स पजेशन और ऑनरशिप। पजेसिव एडजेक्टिव्स ऑलवेज कम बिफोर अ नाउन। देखें बहुत ही आसान है, पजेशन का मतलब क्या होता है? ऑनरशिप, कोई चीज़ पजेस करना। तो पजेसिव एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो कि ऑनरशिप को शो करते हैं, इशारा करते हैं ऑनरशिप की तरफ, किसी की मलकियत के बारे में बताते हैं, बिलोंगिंग्स के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं हिज ब्रदर, उसका भाई, तो ये उसकी बिलोंगिंग और रिलेशन के बारे में आप बता रहे हैं, तो ये जो वर्ड है ये आपका कहलाएगा पजेसिव एडजेक्टिव। देखिए खाली ब्रदर अगर आप कहते तो ये तो आपका नाउन होता, लेकिन आपने हिज ब्रदर का तो ये आपने नाउन के मीनिंग में इजाफा कर दिया, नाउन के साथ ऐड कर दिया, तो ये एडिशन क्या कहलाता है? आपका एडजेक्टिव कहलाता है। और चूंकि ये बिलोंगिंग या रिलेशन को जाहिर करता है तो ये आपका पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है। वेरी सिंपल, आसानी से आप इसको पहचान जाएंगे, हिज, हर, देयर। और देखिए ये अल्फाज हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव जो होते हैं वो नाउन से पहले आते हैं, ब्रदर आपका नाउन था, उससे पहले आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, थोड़ा सा ट्रिकी है आपके लिए, बिल्कुल इसी से मिलता जुलता है। दिस मार्केट इज वेल नोन इन द होल सिटी। 10 सेकंड्स हैं, इसका जवाब जरा सोचें अपने जहन में। इसका जवाब है डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। देखिए आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि नाउन से फौरन पहले जो आता है वो आपके पास पजेसिव एडजेक्टिव कहलाता है, लेकिन यहाँ नाउन से पहले जो आ रहा है वो वर्ड डिफरेंट है। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं सर आप। अ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव डायरेक्टली रेफर्स टू समथिंग और समवन। अ डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर द नाउन, इट मॉडिफाइज। दिस जो वर्ड है ये आपका कहलाता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो कि आप किसी नाउन की तरफ इशारा देने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये चार तरह के अल्फाज होते हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, इस्तेमाल आपको पता होगा इनके बारे में। तो जैसे आपने पोसेसिव एडजेक्टिव को इस्तेमाल किया था, इसी तरह डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी इस्तेमाल होता है। डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी नाउन से पहले आता है, उस नाउन से पहले आता है जिस नाउन को आप डिस्क्राइब कर रहे होते हैं। आप डिस्क्राइब किसको कर रहे हैं? मार्केट को। आप कह रहे हैं मार्केट इज़ वेल नोन इन द होल सिटी, कि ये मार्केट जो है ये सिटी के अंदर वेल नोन है, बड़ी मशहूर मार्केट है। तो ये डायरेक्टली क्या करते हैं? समथिंग या समवन की तरफ रेफर करते हैं, या कुछ भी हो सकता है नाउन आपका, लेकिन ये उसको जो मॉडिफाई करेंगे ये आपके कहलाएंगे डेमोंस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। और अगर आपसे कोई पूछे कि ये वर्ड क्या होता है, ये होता है डेमोंस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये भी पास्ट पेपर्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और इस लेक्चर को सुनने के बाद आप इसमें मिस्टेक नहीं करेंगे और 100% मार्क्स आपको मिलेंगे। चलें क्वेश्चन सिक्स की तरफ देखिए, द रिच मैन इज़ वेरी रूड एंड क्रूअल।
अंडरलाइन वर्ड क्या है आपका, 10 सेकेंड्स हैं, सोचें जरा। इसका जवाब है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एक्सप्लेनेशन की तरफ देख लेते हैं। दैट रिच मैन इज वेरी रूड एंड क्रूअल, यानी वो अमीर आदमी बहुत रूड है और क्रूअल है, जालिम है। अब दैट जो था ये अभी थोड़ी देर पहले आपने पढ़ी, ये आपके क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ इशारा उसकी तरफ नहीं कर रहे, या उन्होंने अंडरलाइन रिच किया हुआ है। रिच क्या एक क्वालिटी है, तो आप नाम से ही पहचान गए, इसे आप क्या कहेंगे, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी कहेंगे। रिच मैन, पुअर मैन, इंटेलिजेंट मैन, तो इस तरह के जो अल्फाज होते हैं ये क्वालिटी को जाहिर करते हैं, इसलिए आप इन्हें कहते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। इनकी सब कैटेगरी ज़्यादा होती हैं, लेकिन अगर लफ्ज़ पे आप गौर करें आप फौरन पहचान जाएंगे। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए। ही स्पोक वेरी लाउडली, द अंडरलाइन वर्ड इज एन एडवर्ब ऑफ, चार ऑप्शन हैं आपके पास, 10 सेकेंड्स हैं, सोचें। अच्छा अब हमने स्टार्ट किया एडवर्ब, अब मैं आपको एडवर्ब के बारे में बताने लगा हूँ। ये कहलाता है आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री। ये क्या होता है, सबसे पहले तो जरा एडवर्ब को देखते हैं। देखिए नाम से ही जाहिर है एडवर्ब, एड का मतलब होता है जमा करना, और वर्ब, वर्ब को कहते हैं, एक्शन को कहते हैं, यानी जो एक्शन सेंटेंस के अंदर हो रहा है उसके मीनिंग में किसी चीज़ को ऐड करना और इजाफा करना, ये आपका एडवर्ब कहलाता है। एंड एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स अ वर्ब, वेरी सिंपल, इट टेल्स यू अबाउट एन एक्शन और द वे समथिंग इज डन। यू मेक दीज एडवर्ब्स बाय एडिंग ly टू एडजेक्टिव्स। होता कुछ इस तरह से है कि एडवर्ब जो होते हैं वो सेंटेंस के अंदर वर्ब या एक्शन उनको मॉडिफाई करते हैं, उनके बारे में और इन्फॉर्मेशन को ऐड करते हैं। अगर सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव इस्तेमाल हो तो उनके आखिर में अगर ly लगा दें तो वो एडवर्ब बन जाते हैं, लेकिन इनके बगैर भी हो सकते हैं। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होता है, एडवर्ब्स ऑफ डिग्री एक्सप्लेन द लेवल और इंटेंसिटी ऑफ वर्ब, एडजेक्टिव और इवन अनदर एडवर्ब। होता कुछ इस तरह से कि जो वर्ब के बारे में आप बात कर रहे हैं उसकी अगर डिग्री बताते हैं, उसकी इंटेंसिटी बताते हैं, उसकी शिद्दत बताते हैं, तो ये सिचुएशन बताने के लिए जो एडवर्ब इस्तेमाल होता है वो आपका एडवर्ब ऑफ डिग्री कहलाता है। अब देखिए ये इंटेंसिटी आपको बता रहा है, ही स्पोक, उसने बात की या वो बोला वेरी लाउडली, बहुत ऊँची आवाज़ में। अगर आप कहते ही स्पोक, समझ में आ जाती कि वो बोला, उसने बात की। वेरी लाउडली जब आपने कहा तो आपने जो है वो जो स्पोक का वर्ड था, जो स्पीक का वर्ड था, यानी वर्ब था, उसके मीनिंग में इजाफा कर दिया, यानी वो बोला लेकिन ऊंची आवाज़ में, तो ये आपका एडवर्ब कहलाता है। क्योंकि यहाँ शिद्दत की बात हो रही है, इंटेंसिटी की बात हो रही है, तो ये डिग्री कहलाता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई थिंक ये भी आप पहचान जाएंगे आसानी से। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। ही वॉज ड्राइविंग केयरलेसली, अंडरलाइन वर्ड क्या है, आपके पास 10 सेकेंड्स हैं, सोचें जरा इसका आंसर। इसका जवाब है एडवर्ब ऑफ मैनर। एक्सप्लेनेशन देखिए जरा। सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस डिस्क्राइब हाउ द पीपल एक्ट और द वे पीपल डू थिंग्स, यानी कुछ एडवर्ब्स या एडवर्ब फ्रेजेस जो होते हैं वो आपको ये बताते हैं कि लोग कैसे एक्ट करते हैं या किस तरीके से उस एक्शन को परफॉर्म करते हैं। देखिए यह तरीका है, तरीकाकार, यहाँ किस तरीके से वो एक्शन कर रहा है उसकी बात हो रही है, उसके मैनर की बात हो रही है। ही वाज ड्राइविंग केयरलेसली, वो बेहतियाती से ड्राइव कर रहा था। ly आखिर में लगा हुआ तो आप पहचान गए ये एक एडवर्ब है, और केयरलेसली मैनर को शो कर रहा है, तो फौरन आप चूज़ कर लेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। क्वेश्चन 9 की तरफ देखिए। वी विल लीव द पार्टी एज सून एज पॉसिबल, अंडरलाइन पार्ट आपका क्या है, 10 सेकेंड्स हैं आपके पास। इसका जवाब है एडवर्ब ऑफ टाइम। एक्सप्लेनेशन की तरफ देखिए जरा। सम एडवर्ब्स डिस्क्राइब व्हेन समथिंग हैपेंस, दे आर कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। कुछ एडवर्ब्स ऐसे होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि कोई एक्शन किस वक्त होता है। तो अगर आप यहाँ देखें एज सून एज पॉसिबल, ये टाइम को बता रहा है, बेसिकली टाइम ही मैंशन कर रहा है। वी लीव द पार्टी, हम पार्टी छोड़ देंगे एज सून एज पॉसिबल, जितना जल्द हो सके। स्पेसिफिक टाइम तो नहीं दिया हुआ, लेकिन टाइम की तरफ ही इशारा कर रहा है, यानी टाइम ही बता रहे हैं। तो अगर यहाँ पर टाइम भी आ जाता है लाइक 10 o'clock, 5 o'clock, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इस तरह के अल्फाज भी अगर इस्तेमाल होते हैं तो आप यही ऑप्शन चूज करेंगे। क्वेश्चन 10 की तरफ देखिए। द माइनर्स आर वर्किंग अंडरग्राउंड, चार ऑप्शन है आपके पास, सोचें जरा।
इसका जवाब है एडवर्ब ऑफ प्लेस, अंडरग्राउंड, नाम से ही जाहिर है आप पहचान जाएंगे। सम एडवर्ब्स टेल यू वेयर समथिंग हैपेंस, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। देखिए यहाँ मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत नहीं, आप समझ गए होंगे। अंडरग्राउंड यानी जो ग्राउंड का एरिया है उससे नीचे, उसे अंडरग्राउंड कहते हैं, तो वहाँ माइनर्स काम कर रहे हैं, कानकुन वहाँ पर काम कर रहे हैं, तो आप इसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। द माइनर्स आपका सब्जेक्ट हुआ और हेल्पिंग वर्ब हुआ, वर्किंग आपका गया वर्ब हो गया, माइनर्स आर वर्किंग, अंडरग्राउंड आपका क्या हुआ एडवर्ब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखिए, यू शुड गो टू जिम एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, 10 सेकेंड्स हैं। आपका जवाब है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, या ये फ्रीक्वेंसी को जाहिर कर रहा है सेंटेंस से, ये आपको लग रहा है, एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन हाउ ऑफन, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये एडवर्ब है और फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, यानी कितनी मरतबा, हाउ फ्रीक्वेंट, तो या हाउ ऑफन। तो ऐसी सिचुएशन हो तो आप ये ऑप्शन चूज करेंगे, यू शुड गो, तुम्हें जाना चाहिए टू जिम, जिम में एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक, हफ्ते में दो मरतबा। क्वेश्चन 12 की तरह देखिए, द रेन लास्टेड फॉर 2 डेज, बारिश 2 दिन तक होती रही। अब ये भी आपके लिए कंफ्यूजिंग हो सकता है, इसका आंसर है एडवर्ब ऑफ ड्यूरेशन। अब यहां भी आप गलती से टाइम या फ्रीक्वेंसी चूज कर सकते हैं, लेकिन ये ड्यूरेशन को शो कर रहा है, वो कैसे, एक्सप्लेनेशन देखिए इसकी। सम एडवर्ब्स एंड एडवर्ब फ्रेजेस आंसर द क्वेश्चन हाउ लॉन्ग, दे आर कॉल्ड एडवर्ब्स ऑफ ड्यूरेशन। देखिए जब बात होगी हाउ लॉन्ग की, यानी कितनी देर से, कितनी मरतबा नहीं, अगर कितनी मरतबा होगा तो वो आपका फ्रीक्वेंसी होगा, लेकिन अगर कितनी देर से होगा तो वो आपका ड्यूरेशन होगा। 2 डेज यानी 2 दिन लगातार बारिश होती रही है, आराम से आप इन्हें पहचान सकते हैं। बस आपने क्या करना होता है, जो स्पेसिफिक एडवर्ब होता है उस पर ज़रा गौर करना होता है, और ये जो मैंने आपके लिए अल्फाज यहाँ लिखे हुए ना, इन पर ज़रा गौर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ देखिए, हिज हैंड राइटिंग इज सो ब्यूटीफुल, अंडरलाइन वर्ड आपके पास क्या है, 10 सेकेंड्स है, सोचिए ज़रा इसका आंसर। इसका जवाब है एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस, आप एम्फेसाइज कर रहे हैं। एक्सप्लेनेशन की तरफ देखिए, देखिए कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव या एडवर्ब को ही डिस्क्राइब करते हैं फर्दर, यानी इन पर एम्फेसाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ अगर आप देखें हिज हैंड राइटिंग, उसकी हैंड राइटिंग इज ब्यूटिफुल, आपका क्या एडजेक्टिव है, खूबसूरती के बारे में बात करें, जब आपने सो का वर्ड इस्तेमाल किया तो ये आपका एडवर्ब बन गया, सो ब्यूटिफुल। और ये एडवर्ब क्या कर रहा है, एम्फेसाइज कर रहा है ब्यूटीफुल पे, यानी बहुत खूबसूरत, तो चूंकि ये एम्फेसाइज कर रहा है इसीलिए आप इसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ एम्फेसिस। तो देखिए ये आज मैंने आपको एडजेक्टिव और एडवर्ब की तकरीबन सारी काइंड्स प्रैक्टिकली क्वेश्चंस के अंदर दिखा दी, मैंने आपको थोड़ा सा टेक्निकल डिफरेंस भी बता दिया। देखिए इस लेक्चर को अगर आप गौर से सुन लें, समझ लें और इसकी प्रैक्टिस कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको बुक्स के साथ मगजमारी करने की ज़रूरत पड़ेगी, बिकॉज हेयर एवरीथिंग इज़ वेरी क्लियर। मैंने सारी टाइप्स आपके सामने ला के रख दिए हैं, क्वेश्चन जितने लिए हैं सारे एग्जाम के पेपर से लिए हैं जो एग्ज़ाम में आते हैं, और एक्सप्लेनेशन पूरी की पूरी जो बुक के अंदर होती है उसका मैंने खुलासा आपको बयान करके बता दिया है। अब आपकी एक चीज़ रह गई है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस टेस्ट मेरा मौजूद है यूट्यूब चैनल पर, आप विज़िट कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल पर। आप कैसे विज़िट कर सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए, सर्च बार में टाइप कीजिए चैनल फॉर क्वालिटी एजुकेशन, वो आपको हमारे चैनल की तरफ ले जाएगा, जहां इस तरह के बहुत सारे प्रैक्टिस टेस्ट मौजूद हैं जिन्हें आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए अगर प्रैक्टिस टेस्ट करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये इन्फॉर्मेशन जो अभी आपने देखी है, यानी जो नॉलेज आपने यहां से गेन किया है, क्या प्रैक्टिकली वो आपके जहन में है, अगर एग्ज़ाम में इसके क्वेश्चंस आते हैं तो क्या आप इन्हें पहचान पाते हैं कि नहीं। इसलिए प्रैक्टिस टेस्ट आपके लिए बहुत ज़रूरी है। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए वीडियो के बारे में। अगर आपके जहन में कोई सवाल आता है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको कुछ और टॉपिक समझने हैं तो भी आप मुझे बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।